शुभ मंगलम बच्चों, कैसे हो तुम लोग। मैं आप लोगों को आज पढ़ाऊंगी लेसन नंबर सिक्स। इसका नाम है चूहिया और गिलहरी। चूहिया मतलब चूहिया यानी माइस, गिलहरी यानी स्क्वायर। ये दोनों का स्टोरी हमारे इस लेसन नंबर सिक्स में है, ठीक है। तो मैं आप लोगों को नए शब्द यानी कठिन शब्द और शब्दार्थ पढ़ा दी हूँ। आज मैं आप लोगों को ये लेसन एक्सप्लेन करूँगी। क्या करूँगी? लेसन एक्सप्लेन। लेकिन इसके साथ अगर कोई वर्ड ऐसा आया जो बहुत हार्ड है वो मैं बोर्ड पे पढ़ाते चलूँगी। ऑलरेडी हो चुका है कठिन शब्द, फिर भी अगर मुझे लगेगा कि आप लोग के लिए टफ है, हार्ड है, तो मैं बोर्ड पर पढ़ाते चलूँगी। ओके, तो देखिए हम स्टार्ट करेंगे अभी चूहिया और गिलहरी, ठीक है। चूहिया और गिलहरी लेसन में एक चूहिया है और एक गिलहरी है, ठीक है। एक गांव में एक नीम के पेड़ की जड़ में एक चूहिया का बिल था। बिल यानी हालो, जिसको बोलते हैं हालो, यानी एक छेद होता है, छोटा सा छेद रहता है, उसी में चूहिया सांप वगैरह रहते हैं, ठीक है। तो एक गांव में एक नीम का पेड़ यानी जो हमारा नीम ट्री रहता है, उसी की जड़ में एक चूहिया का छोटा सा बिल था। उसी पेड़ के खोखल में, पेड़ के खोखल यानी पेड़ के नीचे जो रहता है, पेड़ के तने में जो रहता है उसको हालो बोलते हैं, और जो जड़ में रहता है उसको हम होल बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, उसी पेड़ के खोखल में एक गिलहरी रहती थी। कौन रहता था? एक गिलहरी रहती थी। देखिए चित्र में दिया हुआ है, ये है चूहिया गिलहरी और ये है चूहिया। ओके। एक गांव था, गांव यानी विलेज होता है, उस गांव में एक नीम के पेड़ के जड़ में यानी जो एकदम लास्ट रूट रहता है उसका, उसमें एक छेद था यानी होल था, ठीक है। और उसमें एक चूहिया रहती थी, उसी होल में चूहिया रहती थी। उसी पेड़ के खोखल में एक गिलहरी रहती थी, जो रूट है पेड़ का उसमें चूहिया रहती थी, और जो पेड़ के ऊपर था, तने में था वो खोखल, उसमें गिलहरी रहती थी। खोखल यानी हालो। ओके। दोनों में बहुत ही गहरी मित्रता थी, यानी दोनों बहुत ही अच्छे और गहरे दोस्त थे, फ्रेंड थे। दोनों के स्वभाव में बहुत अंतर था, ठीक है। तो यहाँ मैं एक लिख देती हूँ पहला शब्द, यहाँ चूहिया। ओके, पहला हमारा शब्द है चूहिया, दूसरा हमारा शब्द है मित्रता, तीसरा परिश्रम, ठीक है। और चौथा हम ले लेंगे स्वभाव, ठीक है। तो हम ये लिखते चलेंगे बोर्ड पे और पढ़ते चलेंगे, ठीक है। दोनों में बहुत ही गहरी मित्रता थी, यानी दोनों फ्रेंड थे। दोनों के स्वभाव में बहुत अंतर था, अंतर यानी डिफरेंट था। चूहिया बहुत परिश्रमी थी, यानी बहुत हार्डवर्किंग थी, वो बहुत मेहनत करती थी। वह दिन भर मेहनत करती रहती थी। चूहिया उसे कहती थी परंतु गिलहरी बहुत ही आलसी थी। गिलहरी क्या थी? बहुत ही लेजी थी, आलसी थी। वह दिन भर खेलती रहती थी। चूहिया उसे कहती कि तुम दिन भर इधर उधर कुदकती रहती हो, यानी चूहिया उसे बोलती थी कि तुम दिन भर तो खेलती रहती हो, कुछ काम भी कर लिया करो। परंतु गिलहरी उसकी बात अनसुनी कर देती थी। हम यहाँ लिख लेंगे अनसुनी, यानी
सुन के भी हम नहीं सुनने जैसा, यानी हम तो सुनते हैं लेकिन हम उसको फॉलो नहीं करते हैं। अनसुनी यानी ऐसा लगे जैसे कि मैंने सुना ही नहीं है, उसको बोलते हैं अनसुनी। ठीक है। परंतु गिलहरी उसकी बात अनसुनी कर देती थी। गर्मी का मौसम था, सभी अपने अपने घरों में सो रहे थे। गर्मी का मौसम था यानी समर था। और तो एक मौसम हम लिख देते हैं यहाँ पे 6-1 मौसम, यानी हमारा जो सीजन होता है, वेदर होता है। ठीक है, यहाँ हम वेदर से लेंगे। ठीक है, सीजन से लेंगे। ओके, तो मौसम जो था वो क्या था, गर्मी का मौसम था यानी समर था। ओके, सभी अपने अपने घरों में सो रहे थे, सब कोई सो रहा था। परंतु चूहिया अनाज जुटाने में चूहिया अनाज जुटाने में लगी थी। उसी वक्त गिलहरी फुदकती हुई उसके पास आई। गिलहरी उछलते कूदते हुए उसके पास आई। चूहिया ने उससे कहा, यदि तुम अनाज इकट्ठा नहीं करोगी तो बरसात में क्या खाओगी? चूहिया ने कहा किसे, गिलहरी से। ठीक है, कि अगर तुम अनाज, ये अनाज है, ठीक है, अगर तुम अनाज इकट्ठा नहीं करोगी तो क्या खाओगी? ओके, तो बरसात में क्या खाओगी, एक और हम शब्द ले लेंगे बरसात। ठीक है, यहाँ 8th हो गया, ब र समय आपकी मात्रा त, बरसात यानी बारिश का मौसम। ठीक है, चूहिया ने उसे कहा, यदि तुम अनाज इकट्ठा नहीं करोगी तो बरसात में क्या खाओगी? गिलहरी बोली, अरे चूहिया बहन, चिंता क्यों करती हो, अभी बरसात आने में बहुत दिन है, तब तक मैं अपना भोजन इकट्ठा कर लूंगी। चूहिया गिलहरी बोल रही है कि अभी तो बरसात का मौसम बहुत दिन में आएगा, यानी बहुत दिनों बाद आएगा, तब तक मैं अपने लिए अनाज इकट्ठा कर लूंगी। गिलहरी खेलने में लगी रही और चूहिया अपने काम में लग गई। गिलहरी तो खेलने में लगी रही क्योंकि वो लेजी थी, लेकिन चूहिया क्या करी, वो अपने काम में लगी रही। गर्मी बीती और बरसात आ गई। गर्मी का भी सीजन खत्म हो गया, अब क्या आ गया, बरसात आ गया। चूहिया ने अनाज का ढेर इकट्ठा कर अपने बिल में रख लिया। चूहिया ने, यहाँ पे देखिए, ये चूहिया है और ये गिलहरी है। ओके, चूहिया ये सारे फ्रूट्स वगैरह लेके किसके पास आई है, गिलहरी के पास। ठीक है, तो यदि तुम अनाज इकट्ठा नहीं करोगी तो बरसात में क्या खाओगी, किसने कहा, गिलहरी ने कहा, सॉरी चूहिया ने कहा गिलहरी से। गिलहरी बोली, अरे चूहिया बहन, चिंता क्यों करती हो, अभी बरसात आने में बहुत दिन है, तब तक मैं अपना भोजन इकट्ठा कर लूंगी, यानी एकत्र कर लूंगी, कलेक्ट कर लूंगी। गिलहरी खेलने में लगी रही और चूहिया अपने काम में लग गई। गर्मी बीती और बरसात आ गई। चूहिया ने अनाज का ढेर इकट्ठा कर अपने बिल में रख लिया, यानी वो अपने घर में जहाँ रहती थी उसमें रख लिया। परंतु गिलहरी के पास बरसात में खाने के लिए कुछ भी नहीं था, क्योंकि गिलहरी तो खेलती रही दिन भर, रात भर खेलती रही, उछलती रही, उसने एक अनाज का दाना भी इकट्ठा नहीं किया। वर्षा शुरू हो गई और कई दिनों तक लगातार होती रही। बारिश शुरू हो गई, जब बारिश के दिनों में क्या होता है, बारिश ही होती है, और कई दिनों तक होती रही। घर से बाहर निकलना मुश्किल हो गया था। गिलहरी का भूख के मारे बुरा हाल था। गिलहरी के पास तो खाने के लिए कुछ भी नहीं था। ओके, तो उस गिलहरी का, और बाहर में बारिश हो रही थी, उसको कुछ खाने को मिलेगा नहीं। वह खोखल में से ही चूहिया को पुकारने लगी। वो अपने घर में से खोखल में, यानी जो पेड़ के तने में थी, चूहिया को पुकारने लगी, चूहिया बहन, चूहिया बहन। चूहिया ने जब उसकी आवाज़ सुनी तो बिल के अंदर से ही बोली, क्या बात है गिलहरी बहन? गिलहरी बोली, मुझे बहुत भूख लगी है, मुझे कुछ खाने को दे दो, मैं तुम्हारा यह उपकार कभी नहीं भूलूंगी।
बोल रहे हैं कि मुझे कुछ खाने को दे दो, मैं तुम्हारा ये उपकार कभी नहीं भूलूंगी, मैं तुम्हारा यह उपकार कभी नहीं, उपकार यानी हमारा अगर मेरी हमारी कोई हेल्प करता है, हमारी कोई हेल्प करता है तो उसका हमारे ऊपर क्या होता है, उपकार उपकार होता है, ठीक है। मैं यह तुम्हारा उपकार यानी अच्छे काम, उपकार यानी अच्छे काम कभी नहीं भूलूंगी। चूहिया बोले, गिलहरी बहन मैं बिल से बाहर नहीं आ सकती, यदि मैं बिल से बाहर निकली तो पानी में डूबकर मर जाऊंगी, यदि मैं बिल से बाहर निकली तो पानी में डूबकर मर जाऊंगी। दो दिनों बाद जब बारिश बंद हुई तब चूहिया बिल से बाहर निकली, बाहर में आएगी तो बहुत तेज बारिश हो रही थी, चूहिया मर जाती। लेकिन जब दो दिन बाद बारिश बंद हुई उसने गिलहरी को आवाज़ लगाई, पर गिलहरी के शरीर में इतनी शक्ति यानी उसमें बिल्कुल ताकत ही नहीं बचा था कि वह बोल पाए, यानी भूख के मारे एकदम वो बेहाल हो गई थी। चूहिया समझ गए कि गिलहरी भूख की वजह से बेहाल है, वह जल्दी से कुछ अनाज के दाने लेकर पेड़ पर पहुंची और गिलहरी को खाना खिलाया, उसने क्या किया, उसका हेल्प किया, तब जाकर उसके शरीर में ताकत आई। उसने चूहिया को धन्यवाद दिया और प्रण किया कि अब वह कभी भी आलस्य नहीं करेगी और आज का कार्य कल पर नहीं टालेगी, यानी उसने प्रॉमिस किया, उसने खुद से वादा किया कि वो कभी भी आलस नहीं करेगी, वो लेजी नहीं बन के घूमती फिरेगी, वो क्या करेगी, वो मेहनत से कर मेहनत करेगी और अपने लिए अनाज इकट्ठे करती रहेगी। ओके, यानी वो चूहिया और गिलहरी दोनों बहुत ही अच्छे दोस्त थे। गिलहरी क्या थी, बहुत लेजी थी, लेकिन चूहिया क्या थी, बहुत ही परिश्रमी हार्डवर्किंग थी। आलसी होने का रिजल्ट ये हुआ कि गिलहरी को एक दाना भी खाने को नहीं मिल रहा था, यानी उसके घर में कुछ भी नहीं था खाने को। उसने गिलहरी को आवाज़ लगाई और गिलहरी ने चूहिया को आवाज़ लगाई और चूहिया क्या करी, जब बारिश बंद हुई तो वो अनाज के दाने लेके गिलहरी के पास पहुंची और उसे खाना खिलाया, क्योंकि वो बिना खाए पिए अगर किसी को खाने पीने को नहीं मिलेगा तो वो क्या हो जाएगा, बीमार हो जाएगा, अस्वस्थ हो जाएगा, उसके शरीर में ताकत नहीं रहेगी। चूहिया ने क्या किया, उसको खाना खिलाया और उसको अंदर से ताकत आई। जब वो खाना खाई तो वो क्या हुआ, उसको थोड़ा सा शक्ति मिला और उसने प्रण किया कि मैं कभी भी आलस नहीं करूँगी। किसने, गिलहरी ने। चूहिया तो बहुत अच्छी थी, हार्ड वर्किंग थे, लेकिन गिलहरी क्या थी, बहुत ही क्या थी, आलसी थी और वो अपने लिए कुछ भी काम नहीं करती थी, बस इधर उधर घूमते रहती थी। इस कहानी से हमको ये शिक्षा मिलती है, यानी मॉरल ऑफ द स्टोरी ये है कि हमको अपना कार्य करते रहना चाहिए, अपना काम करते रहना चाहिए और आज का काम कल पे नहीं छोड़ना चाहिए। जैसे आप लोग का काम है पढ़ाई करना, तो आप लोग क्या करेंगे, जब भी वर्क मिलेगा आपको, आप तुरंत नोट कर लेंगे, मन से पढ़ाई करेंगे, मेहनत करेंगे, पढ़ाई में क्या करेंगे, बहुत ही परिश्रम से पढ़ाई करेंगे, तो क्या होंगे, आप सक्सेस होंगे। ओके, इसलिए हमको ये शिक्षा ये मिलती है कि हमें कभी भी आलस नहीं करनी चाहिए, ठीक है। हमको जो अभी काम करना है हमको अभी कर लेना है, जो हमको बाद में थोड़ा करना है वो बाद में, ये नहीं कि हमको जो आज काम करना है वो हम कल करेंगे, जो कल करना है हम उसको बाद में और करेंगे, यानी परसों करेंगे। ओके, हमको क्या करना चाहिए, आलस नहीं करना चाहिए, ठीक है। तो अब मैं ये स्टोरी आप लोग को एक बार बुक दिखा के पढ़ा देती हूँ। लेसन नंबर 6, चूहिया और गिलहरी। ओके, यहाँ पे पहले मधुमक्खी को उसके छत्ते के पास जाने में मदद कीजिए, ये खेलने के लिए ऐसे दिया रहता है, तो हम कैसे जाएंगे, ऐसे जाते हुए जाएंगे और ऐसे जाते हुए जाएंगे 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 और हम ऐसे छत्ते तक पहुँच जाएंगे। ओके, यहाँ से हम चलना स्टार्ट करेंगे, तो यहाँ से हम आएंगे और ये से आएंगे, फिर आते आते
हम यहाँ से आते हुए क्या करेंगे, हम ऐसे छत्ते तक पहुँच जाएंगे। ओके, अब देखिए हम बुक पढ़ेंगे। मैं एक बार बुक दिखा के पढ़ा रही हूँ क्योंकि आप लोग को अच्छे से समझ में आ जाए कि कहाँ कौन सा शब्द है और कौन सा वाक्य है। ओके, एक गांव में एक नीम के पेड़ की जड़ में एक चूहिया का बिल था। उसी पेड़ के खोखल में एक गिलहरी रहती थी। दोनों में बहुत ही गहरी मित्रता थी। दोनों के स्वभाव में बहुत अंतर था। चूहिया बहुत परिश्रमी थी, वह दिन भर परिश्रम करती रहती थी, परंतु गिलहरी बहुत ही आलसी थी, वह दिन भर खेलती रहती थी। चूहिया उससे कहती कि तुम दिन भर इधर उधर फुदकती रहती हो, कुछ काम किया करो, परंतु गिलहरी उसकी बात अनसुनी कर देती थी। गर्मी का मौसम था, सभी अपने अपने घरों में सो रहे थे, परंतु चूहिया अनाज जुटाने में लगी हुई थी। उसी वक्त गिलहरी फुदकती हुई उसके पास आई। चूहिया ने उससे कहा, यदि तुम अनाज इकट्ठा नहीं करोगी तो बरसात में क्या खाओगी। गिलहरी बोली, अरे चूहिया बहन, चिंता क्यों करती हो, अभी बरसात आने में बहुत दिन है, तब तक मैं अपना भोजन इकट्ठा कर लूँगी। गिलहरी खेलने में लगी रही, चूहिया अपने काम में लग गई। गर्मी बीती और बरसात आ गई। चूहिया ने अनाज का ढेर इकट्ठा कर अपने बिल में रख लिया, परंतु गिलहरी के पास बरसात में खाने के लिए कुछ भी नहीं था। वर्षा शुरू हो गई और कई दिनों तक लगातार होती रही। घर से बाहर निकलना मुश्किल हो गया था। मुश्किल हो गया था। गिलहरी का भूख के मारे बुरा हाल था। वह खोखल में से ही चूहिया को पुकारने लगी, चूहिया बहन। चूहिया ने जब उसकी आवाज़ सुनी तो बिल के अंदर से ही बोले, क्या बात है गिलहरी बहन। गिलहरी बोली, मुझे बहुत भूख लगी है, मुझे कुछ खाने को दे दो, मैं तुम्हारा यह उपकार कभी नहीं भूलूँगी। चूहिया बोली, गिलहरी बहन, मैं बिल से बाहर नहीं आ सकती, यदि मैं बिल से बाहर निकली तो पानी में डूबकर मर जाऊंगी। 2 दिनों बाद जब बारिश बंद हुई तब चूहिया बिल से बाहर निकले। उसने गिलहरी को आवाज़ लगाई, पर गिलहरी के शरीर में इतनी शक्ति नहीं बची थी कि वह बोल पाए। चूहिया समझ गई कि गिलहरी भूख की वजह से बेहाल है। वह जल्दी से कुछ अनाज के दाने लेकर पेड़ पर पहुंची के दाने लेकर पेड़ पर पहुंची और गिलहरी को खाना खिलाया।
तब जाकर उसके शरीर में ताकत आई। उसने चूहिया को धन्यवाद दिया और प्रण किया कि अब वह कभी भी आलस्य नहीं करेगी और आज का कार्य कल पर नहीं टालेगी। ओके, तो ये रहे हमारे लेसन, हमारा लेसन जो मैं एक्सप्लेन की और पढ़ा भी दी। एक बार मैं और पढ़ के और आप लोग को एक्सप्लेन कर देती हूँ ताकि अच्छे से और अच्छे से समझ में आ जाए। ओके, एक गांव में एक नीम के पेड़ की जड़ में एक चूहिया का बिल था। उसी पेड़ के खोखल में एक गिलहरी रहती थी। दोनों में बहुत ही गहरी मित्रता थी। दोनों के स्वभाव में अंतर था। चूहिया बहुत परिश्रमी थी, वह दिन भर परिश्रम करती थी, परंतु गिलहरी बहुत ही आलसी थी। यानी एक पेड़ के जड़ में चूहिया रहती थी और तने पे गिलहरी रहती थी। दोनों के स्वभाव में बहुत ही अंतर था, लेकिन दोनों बहुत ही अच्छे फ्रेंड थे। वह दिन भर परिश्रम करती थी, परंतु गिलहरी बहुत ही आलसी थी। चूहिया बहुत परिश्रमी थी और गिलहरी बहुत ही आलसी थी। वह दिन भर खेलती रहती थी। चूहिया उसे कहती कि तुम दिन भर इधर उधर फुदकती रहती हो, कुछ काम कर लिया करो। जब वो इधर उधर खेलती रहती थी तो गिलहरी चूहिया उसे बोलती थी कि तुम दिन भर क्यों इधर उधर खेलती रहती हो, तुम कुछ काम क्यों नहीं कर लेती। गर्मी का मौसम था परंतु गिलहरी उसकी बात अनसुनी कर देती थी। गर्मी का मौसम था, सभी अपने अपने घरों में सो रहे थे, परंतु चूहिया अनाज जुटाने में लगी हुई थी। उसी वक्त गिलहरी फुदकती हुई उसके पास आई। चूहिया ने उससे कहा, यदि तुम आज अनाज इकट्ठा नहीं करोगी तो बरसात में क्या खाओगी। गिलहरी बोली, अरे चूहिया बहन, चिंता क्यों करती हो, अभी बरसात आने में बहुत दिन है, तब तक मैं अपना भोजन इकट्ठा कर लूँगी। गिलहरी खेलने में लगी रही और चूहिया अपने काम में लग गई। गर्मी बीती और बरसात आ गई। चूहिया ने अनाज का ढेर इकट्ठा कर अपने बिल में रख लिया, परंतु गिलहरी के पास बरसात में खाने के लिए कुछ भी नहीं था। चूहिया ने अपनी मेहनत से पूरे अनाज रख ली थी खाने के लिए, लेकिन गिलहरी के पास कुछ नहीं था। वर्षा शुरू हो गई और कई दिनों तक लगातार होती रही। घर से बाहर निकलना मुश्किल हो गया था। गिलहरी का भूख के मारे बुरा हाल था। वह खोखल में से ही चूहिया को पुकारने लगी, चूहिया बहन, चूहिया बहन। चूहिया ने जब उसकी आवाज़ सुनी तो बिल के अंदर से बोली, क्या बात है गिलहरी बहन। गिलहरी बोली, मुझे बहुत भूख लगी है, मुझे कुछ खाने को दे दो, मैं तुम्हारा यह उपहार कभी नहीं भूलूंगी। चूहिया बोली, गिलहरी बहन, मैं बिल से बाहर नहीं आ सकती, यदि मैं बिल से बाहर निकली तो पानी में डूबकर मर जाऊंगी। दो दिनों बाद जब बारिश बंद हुई तब चूहिया बिल से बाहर निकली। उसने गिलहरी को आवाज़ लगाई, पर गिलहरी के शरीर में इतनी शक्ति नहीं थी कि वह बोल पाए। चूहिया समझ गई कि गिलहरी भूख के वजह से बेहाल है। वह जल्दी से कुछ अनाज के दाने लेकर पेड़ पर पहुंची, गिलहरी को खाना खिलाया, तब जाकर उसके शरीर में ताकत आई। उसने चूहिया को धन्यवाद दिया और प्रण किया कि अब वह कभी भी आलस्य नहीं करेगी और आज का कार्य कल पर नहीं टालेगी। इसे आप लोग के लिए ही ये कहानी दिया हुआ है। अगर आप लोग को आज कोई वर्क करना है तो आप लोग क्या करो, टाइम से अपना वर्क कंप्लीट कर लिया करो। लेजी होना अच्छी बात नहीं है। हमको क्या करना चाहिए, हमको मेहनत से अपना काम करना चाहिए। ओके, तो ये हमारा है चूहिया और गिलहरी। अब हम देखेंगे इसमें एक्सरसाइज क्या है। हमारी धरती, यहाँ लिखा हुआ है हमारी धरती। अधिक वर्षा से कई जगह पानी भर जाता है और लोगों को खाना नहीं मिलता। हमें ऐसे समय में उनकी मदद करनी चाहिए, ठीक है। हम थोड़ा सा पीछे रिवीजन कर लेंगे, फिर हम नेक्स्ट पेज नंबर 44 पे आ जाइए। किसी ठंडे देश में एक छोटा सा, आप देख के पढ़ो। किसी ठंडे देश में एक छोटा सा खरगोश रहता था। एक दिन बहुत बर्फ पड़ी, हवा बहुत ठंडी हो गई। खरगोश ने अपनी माँ से कहा, माँ माँ, मुझे कोई ऐसी चीज़ बना दो जो मेरे सिर को गर्म रख सके। माँ ने उसके लिए एक टोपी बना दी। खरगोश टोपी पहनकर बहुत खुश हुआ। थोड़ी दिन बाद खरगोश बोला, माँ कोई ऐसी चीज़ बना दो जो मेरे बदन को भी गर्म रख सके। माँ ने उसके लिए एक स्वेटर बना दिया।
स्वेटर पहनकर खरगोश को सर्दी कम लगी। वह बहुत खुश हुआ। वह कुछ दिनों बाद सर्दी और बढ़ गई। वह अपनी माँ के पास गया और बोला, माँ कोई ऐसी चीज़ बना दो जो मुझे सिर से पांव तक गर्म रख सके। माँ ने उसके लिए एक बड़ा सा फर का कोट बना दिया। खरगोश ने तुरंत नया कोट पहन लिया। उसने अभी तक वह कोट पहना हुआ है, कभी उतारता नहीं क्योंकि फर का कोट उसे सिर से पांव तक गर्म रखता है। खरगोश को वह कोट बहुत अच्छा लगा। यानी हमारा पेज नंबर 44। पेज नंबर 16। तितली और कली। हरी डाल पर लगी हुई थी नन्ही सुंदर एक कली। तितली उससे आकर बोली, तुम लगती हो बड़ी भली। अब जागो तुम आंखें खोलो और हमारे संग खेलो। पहले सुंदर महक तुम्हारी महके सारी गली गली। कली छिटक कर खिली रंगीली तुरंत खेल की सुनकर बात। साथ हवा के लगी भागने तितली छूने उसे चली। ओके, ये लेसन नंबर 1 है, कविता है। यहाँ पे हम एक बार शब्दार्थ भी देख लेंगे। लेसन नंबर 6 जो हमने भी पढ़ा, खोखल पेड़ के तने में छेद। पेड़ के तने में छेद। स्वभाव प्रकृति परिश्रमी मेहनती। आलसी सुस्त फुदकती कूदती। इकट्ठा एकत्र करना मुश्किल परेशानी। शक्ति ताकत बेहाल कमजोर। अब नए शब्द हैं, अभी दो और हैं इधर। धन्यवाद शुक्रिया प्रण प्रतिज्ञा। धन्यवाद शुक्रिया थैंक प्रण प्रतिज्ञा प्रामिश। ओके, नए शब्द है खोखल परिश्रम इकट्ठा मुश्किल त्याग धन्यवाद प्रण। ठीक है, अब यहाँ बोर्ड पे मैं जो लिखी हूँ वो एक बार आप लोग देख लें। चमे छोटाओ की मात्रा, हमें छोटी की मात्रा, य में आ की मात्रा चूहिया, म में छोटी की मात्रा त्र, तमे आ की मात्रा मित्रता चूहिया मित्रता, प र में छोटी की मात्रा श्रम परिश्रम, आधा स व भ में आ की मात्रा व स्वभाव, अ न स में छोटाओ की मात्रा, न में बड़ी की मात्रा अनसुनी, म में अ की मात्रा स म मौसम, अ न में आ की मात्रा ज अनाज, ब र समय की मात्रा त बरसात, ब र समय की मात्रा त बरसात, अ न म की मात्रा ज अनाज, म म की मात्रा स म मौसम, अ न स म छोटाओ की मात्रा, न म बड़ी की मात्रा अनसुनी, आधा स व भ म की मात्रा व स्वभाव, प म र प र म छोटी की मात्रा श्रम परिश्रम, म म छोटी की मात्रा त्र त म की मात्रा मित्रता, ज में छोटाओ की मात्रा, हमें छोटी की मात्रा, य में आ की मात्रा चूहिया चूहिया मित्रता परिश्रम स्वभाव अनसुनी मौसम अनाज बरसात, चूहिया मित्रता परिश्रम स्वभाव अनसुनी मौसम अनाज बरसात, चूहिया मित्रता परिश्रम स्वभाव अनसुनी मौसम अनाज बरसात। तो ये थोड़े और नए शब्द हुए और आज का वर्क है लर्न लेसन नंबर 6 चूहिया और गिलहरी पढ़ना है और ये नए शब्द जो हैं उसको पढ़ लेना है, उसको भी पढ़ लेना और प्रैक्टिस कर लेना है। ओके, थैंक यू।